ड्रोन की दुनिया में भारत को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने खुद के नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके रुस्तम 2 ड्रोन को टेक ऑफ और लैंड करवाया है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है जिसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। मैं आप सभी को रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में बताने वाला हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल अभी का ज्ञान में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि भारत रुस्तम सीरीज बना रहा है, जहाँ पे भारत ने रुस्तम 1 बनाया है, भारत रुस्तम H बना रहा है और अब भारत रुस्तम 2 बना रहा है। रुस्तम 2 तापस BH-201 के नाम से भी जाना जाता है और इसको डिज़ाइन कौन कर रहा है? इसको DRDO का ही एक लैब है जिसे कहा जाता है ADE, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये डिज़ाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं ये कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वहीं पर अगर मैं आप सभी को बताऊं कि फिलहाल भारत को जो कामयाबी मिली है वो क्या है, आप साइड पे ही आप एक ट्वीट देख सकते हो जो बेसिकली DRDO ने ट्वीट किया है। इन्होंने ये ट्वीट किया है कि भारत ने जो टेक ऑफ और लैंड होता है, ये जो रुस्तम 2 ड्रोन है, इसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, इसको भारत ने सक्सेसफुली पास कर दिया है। साथ ही साथ भारत ने यहाँ पर गगन सैटेलाइट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है, जो भारत का एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसके जरिए भारत ने इसको टेक ऑफ और लैंड करवाया है। भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। भारत ने सितंबर 2019 को कर्नाटक में रुस्तम 2 ड्रोन का परीक्षण किया था, जो असफल रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से ये फेल हो गया था। उसके बाद एक साल के बाद फिर से इसे रिस्टार्ट किया गया, यानी कि अक्टूबर 2020 को फिर से इसका परीक्षण किया गया और उस समय पर इसको 16,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 8 घंटे तक उड़ाया गया था, जो बिल्कुल सफल रहा था। तो भारत अब रुस्तम 2 को अलग अलग फेज पर, अलग अलग स्टेज पर टेस्ट कर रहा है, जो बहुत हद तक सफल भी हो रहा है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को ड्रोन्स के बारे में बताऊं या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में बताऊं, तो आप सभी को पता होगा हाल ही में एक महायुद्ध हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। नागोर्नो काराबाख जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको लेकर दोनों के बीच एक महायुद्ध हुआ था। अब इस महायुद्ध को पूरी दुनिया देख रही थी और यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर सामने क्या आई कि आर्मेनिया को बहुत बुरी तरीके से अजरबैजान ने परास्त किया। कैसे किया? सिर्फ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करके ही। अजरबैजान ने क्या किया? बहुत सारे टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल किया और वहीं से ही इन्होंने मात दी आर्मेनिया को। तो यहाँ से भारत समेत अन्य देशों को भी ये बात पता चल गई कि आने वाला जो समय है, जो फ्यूचर है, ये ड्रोन का समय है, ड्रोन से ही युद्ध होने वाला है। क्योंकि अगर मैं आप सभी को नॉर्मल फाइटर जेट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ता है, उतना निवेश कोई देश नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। भारत उतना निवेश नहीं कर सकता है। तो हमको पता है कि आने वाले समय में ड्रोन का समय है, ड्रोन के ऊपर निवेश करना काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी कि कम पैसों में हम यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, पायलट का भी कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि अंदर कोई इंसान नहीं बैठता है। तो इसलिए भारत धीरे धीरे ड्रोन के ऊपर अब निवेश कर रहा है। आपको पता होगा आने वाले समय में भारत $3 बिलियन का एक डील करने वाला है US के साथ प्रीडेटर ड्रोन्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। अब रुस्तम 2 ड्रोन एक अटैक ड्रोन नहीं है, बल्कि ये एक सर्विलेंस करने वाला ड्रोन है, यानी कि हम सिर्फ नज़र रखेंगे, हम किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर रुस्तम 2 ड्रोन में अटैक करने वाला फीचर होता तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? नज़र रख सकते हैं और बाकी हमारे पास जो भी UAVs हैं उनकी मदद से हम हमला करेंगे। अब रुस्तम 2 ड्रोन की मदद से हमको दुश्मनों के घर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे 250 किलोमीटर की दूरी पे रहकर ही ये रुस्तम 2 ड्रोन बहुत ही इजीली टारगेट को पहचान सकता है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अगर मैं आप सभी को बताऊं, ये 100 किलोमीटर तक लाइन ऑफ साइट सिस्टम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये 100 किलोमीटर के आर पार चले जाता है तो उसके बाद हमको सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब रुस्तम 2 ड्रोन वंस पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो ये हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों को ही मिलने वाला है, तो एक बहुत बड़ी खबर है। और वहीं पर फायदे तो इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है ये फुल्ली इंडिजिनस है, भारत का खुद का बनाया हुआ है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम पैसे में भारत ये बना रहा है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। भारत यहाँ पर गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो नेविगेशन सिस्टम भारत का खुद का बनाया हुआ है। अब ऐसे में मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि कौन से साल तक रुस्तम 2 ड्रोन हमारी सेना को मिलने वाला है। आपकी जो भी राय है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल
को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।